नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हनी टेस्ट सिरप के बारे में। दोस्तों, हनी टेस्ट सिरप को कौन कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके इस्तेमाल करने का क्या सही तरीका है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट हनी टेस्ट सिरप के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। दोस्तों, हनी टेस्ट सिरप की बात करें तो इसको डाबर आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। दोस्तों, इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर शहद, सुंठी, कांतकारी, कुलंजना और तुलसी जैसे 15 आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। दोस्तों, प्राइस की बात करें तो 90 रुपये की इस पर MRP होती है। 100 ml की पैकेजिंग में डाबर हनी टेस्ट सिरप आता है। दोस्तों, डाबर हनी टेस्ट सिरप का जो मेनली जो इस्तेमाल किया जाता है, दोस्तों यदि किसी को सर्दी जुकाम खांसी खांसी जैसी समस्या हो जाती है तो उस कंडीशन में इस सिरप को लिया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, यदि आपके ब्रोंकाइटिस की समस्या है, यदि आप ब्रोंकाइटिस की समस्या से परेशान हैं तो ऐसी कंडीशन में आप इस हनी टेस्ट सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, उसके साथ साथ यदि आपके गले में दर्द हो रहा है, सर्दी जुकाम के कारण आपके गले में दर्द जैसी समस्या है तो ऐसी कंडीशन में भी आप डाबर हनी टेस्ट सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, यदि अगर आप इस डाबर हनी टेस्ट सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो आप किसी भी केमिस्ट या मेडिकल शॉप से इसको आसानी से खरीद सकते हैं, आपको ये आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, इसकी डोजेस की बात करें तो डाबर हनी टेस्ट सिरप को यदि आपको सर्दी जुकाम खांसी जैसी समस्या है या आपके गले में दर्द है या आपको ब्रोंकाइटिस की समस्या है तो ऐसी स्थिति होने पर आप इस सिरप को दिन में 3 से 4 बार 5-5 ml इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे, आप यदि इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप इसका सिरप इस्तेमाल करने के बाद आधे घंटे तक आपको कोई चीज़ नहीं लेनी है तो आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। दोस्तों, इसका एक अच्छा बेनिफिट और है, यह आपके इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है जिससे कि आप बीमारियों से बचे रहें। दोस्तों, ये सर्दी जुकाम खांसी जैसी समस्या में आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो 3 से 4 दिन में आपको बिल्कुल इसका बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। आप जब भी इस हनी टेस्ट सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो आप इसकी बोतल को अच्छे से हिला लें। दोस्तों, दवाई से जुड़ी छोटी मगर महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।